पार्टीज की यही बेस्ट बात होती है, अगर आपकी बात किसी से अधूरी रह जाए तो आप उसको पूरा कर सकते हैं बाद में। हाय। वाह, तुम मुझसे मिल रही हो, वो भी सबके सामने। हम एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते हैं, एक ही लिविंग रूम शेयर करते हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मतलब हम बात भी कर रहे हैं। दिवाली का मौका है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, तो दिवाली विश करने के लिए भी थोड़ी बात कर सकते हैं। Well, in that case, happy Diwali. Happy Diwali to you too. By the way, वैसे आज लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट है या कुछ और बात है? नहीं तो क्यों, क्यों, क्या हुआ? You're looking very handsome. Really? Really. Thank you, yeah. Keep it up. Bye. Bye. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और हाँ, एक चीज, तुम्हारी मॉम आ जाए ना तो मुझे उनसे मत मिलवाना, ठीक है? क्यों, तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? अरे पूरब, पूरब को बुला, चल दिया। एक्सक्यूज, देख कौन आया। नमस्ते। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पूरब, इसे अपने साथ ले जाना, इसे तुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे नहीं, मैं तेरे से एडवाइस लेने आया हूं। हां दूंगा ना तुझे एडवाइस, पहले अपना इमेज क्लियर कर ले, तब तक पूरब दे देगा। अरे मैं तुझे एडवाइस दूंगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा फोन देना, बहुत अच्छा देता है ये। यस पूरब, जरूर देना। अरे अभी रुक रुक रुक, मुझे बात करने रुक। हम बाद में बात करते हैं ना, मुझे जरूरी काम से जाना। हमेशा जरूरी काम रहता है, ये भी जरूरी है यार, मुझे बात करने एडवाइस चाहिए तेरी। क्या क्या कह रहा है ये, किसे एडवाइस चाहिए? अरे जब देखो मांगते रहते हैं यार, ऑफिस में रहो तो मीटिंग ले टाइम मांगता है, कभी पैसे मांग लेता है, कुछ नहीं रहा मांगने के लिए तो एडवाइस मांगता है। बोल क्या एडवाइस चाहिए? अच्छा अभी ये बता, दो औरतों के बीच में लड़ाई कैसे करवाते हैं? दोनों को साथ बिठा दे, फिर लड़ाई अपने आप हो जाएगी। इससे एडवाइस मांगेगा तो चुटकुला ही सुनाएगा। मुझे बता कि कौन है औरतें, किस टाइप की है, डिपेंड उस पर करता है ना। एक मेरी बीवी है और दूसरी मेरी माँ है। कैसा है यार, खतरनाक आदमी यार ये, सास बहू के बीच में लफड़ा कराना चाहते हैं। रणबीर सही कहता है, जल्लाद आदमी है तू, जल्लाद। घर की शांति पसंद नहीं है तुझे? लोग सास बहू के बीच में सुलह कराते हैं ताकि शांति से रह सके, इसे झगड़ा कराना है, क्या आदमी है यार ये। अरे तू सास बहू के चक्कर में पड़ा नहीं, इसलिए तू बोल रहा है ऐसा। हाँ यार ये सही बोल रहा है, बीवी का साथ दो तो माँ बुरा मानती है और माँ का साथ दो तो बीवी बुरा मान जाती है। तेरी तो माँ ही नहीं है, ये डायलॉग मैंने फिल्म में सुना। लेकिन यहाँ पे माजरा कुछ और है, पल्लवी जब उदास होती है तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ पल्लवी कि क्या हुआ, क्यों उदास? तो मुझे कहती है क्या हर वक्त बीवी के पल्लू के पीछे लगे रहते हो, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, माँ का ख्याल रखो। और माँ जब उदास होती है तो मैं जाता हूँ एक अच्छे बेटे की तरह, उनसे पूछता हूँ क्या हुआ बीजी, खातिरदारी करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कहती है क्या हमेशा ममास बॉय बने बैठे हो, जाओ अपनी बीवी का ख्याल रखो। कैसी सास बहू है यार ये, सालों से सास बहू की इतनी सारी सीरियल देखने के बावजूद एक दूसरे से लड़ना नहीं सीखी यार, दोनों मिलकर मुझसे लड़ती हैं, मेरे घर पे मेरे अगेंस्ट साजिश होती है यार। बिजनेस शुरू करते वक्त तूने जितने गरीबों का खून पिया है ना, उसका श्राप लगा है तुझे, सैंडविच खा गया तुम माँ बीवी के बीच में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एडवाइस दे मेरे भाई। सुन, मैं कलर एडवाइस नहीं देता, तो जाकर पल्लवी और अपनी बीजी से कह देना कि वो दोनों देविया है, देविया के तुझ जैसे जल्लाद का जीना आराम कर रखा है, ठीक है? चल मैं जा रहा हूँ। हाँ, नीड अ ड्रिंक। अबे हाँ, तू आज पिएगा? एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है आज, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, आज दिवाली है। जाओ जा जा, अच्छा गिफ्ट दिया मेरे को दिवाली पे तूने, एडवाइस मांग रहे हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी से हारे नहीं। पूरा उस महाभारत में कृष्णा था, इस महाभारत में कृष्णा नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी सास बहू के बीच में एक महाभारत छेड़ूंगा। तलवार तैयार रख। कैसा है यार, देखो रणबीर मुझे तंग मत करो, मैं बोल रहा हूँ। बुरा लग गया डैडी को, बुरा लग रहा है। सो क्यूट रणबीर। पापा एक तो ये हाथ दिखाना बंद करो, बात बात पे हाथ दिखाने लग जाते हो। कानून के हाथ देखे कितने लंबे,
एक फोन कॉल फिर उनका हाथ और आपकी गर्दन। बेटा कानून के हाथ लंबे होंगे लेकिन मेरी पहुंच कानून से भी ऊपर है, समझे? गलौर को बुलाया तुम्हें वसीयत से बेदखल करने के लिए। एक काम करते हैं डैड, एक तो ये वसीयत आई एम गेटिंग टू बोर्ड ऑफ दिस, लेट्स डू वन थिंग, आप ना वसीयत से पहले लॉयर को बुलाओ और मुझे अपनी कंपनी से बाहर फेंक दो, जस्ट थ्रो मी आउट, जस्ट लाइक धूप में मक्खी की तरह फट खत्म कर दो, लीव मी, इतना बेकार आदमी हूं, इतना खराब एम्प्लॉई हूं, जस्ट फायर मी डैड, फायर मी। अच्छा मेरे गुस्से का फायदा उठा रहे हो बेटा, मुझे लगता है गुस्से में आके मैं तुझे बोल दूंगा जा मेरे कंपनी में मत आना कल से। बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई माइक कालाल पैदा नहीं हुआ जो विक्रम कोहली के इमोशंस का फायदा उठा सके, समझा? सिवाय तेरी माँ के, उसने मेरे प्यार वाले इमोशंस का फायदा उठाया और तुझ जैसे को इस दुनिया में लाया। लेकिन तू टेंशन मत लेना, तुझे तो मैं ऐसे क्लॉज में फंसाऊंगा कि जिंदगी नहीं साफ जिंदगी तक तू इस कंपनी में जॉब करता रहेगा। देख एक बार सच सच बताओगे, आपके जो वो घुटने का जो ऑपरेशन था वो झूठा था ना? वो आपने सिर्फ छुट्टी इसलिए थी ताकि मैं काम कर सकूँ ना, मजदूर बन सकूँ, मजदूरी कर सकूँ और आपके एहसान के तले और बोझों के तले दब जाऊँ। जानबूझ के क्या था ना आपने? बेटा तुझे ये घुटने का दर्द ये नाटक लग रहा था? इतने सारे लोगों को मैंने इमोशनली ब्लैकमेल किया सिर्फ तुझसे काम निकालने के लिए, इतना सेल्फिश हूँ मैं तुम्हें झल्लाद लगता हूँ बेटा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे मैं तेरा बाप हूँ बेटा, मैं ऐसा करूँगा बेटा। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था आपको बुरा लग जाएगा यार, आप उस किडी में मजाक कर रहा था। You are so bad, you are so bad यार, मुझे लगा आप रो रहे हो, इमोशनल हो गए हो। I know I'm so bad, I'm bad but I'm not dead. और तुझे उल्लू बनाने में मुझे इतना मजा आया ना, उतना मजा तो मुझे पैसे कमाने में भी नहीं आया। सुकून पहुंचता है, ठंडक पहुंची, बहुत सुकून मिला होगा। अगर आपकी स्मार्टनेस नहीं है, आपका दिमाग तेज नहीं चलता, इसलिए नहीं मैं उल्लू बनाऊ, तो तुम्हें दिल का बहुत अच्छा हो, मुझे जो है मेरे इमोशंस थोड़े कंट्रोल नहीं हो पाते इसलिए हो गया, वरना मैं फंसता नहीं है इसे। एंड मैंने मैं आपको जल्लाद वल्लाद बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं है दैट आई डोंट लव यू, मैन आई लव यू डैड। आई नो माय सन, भले मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ, भले मैं तुम्हें डांटू फटकारूँ कहूँ कि बेदखल कर दूंगा, लेकिन आई टू लव यू माय सन, आई लव यू, आई लव यू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू टू, हैप्पी न्यू ईयर एवरीथिंग। अच्छा सुन, दिवाली का मैं तुझे गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन एक गिफ्ट मैं दूंगा, जो शर्त लगाई थी कि मैं सास बहू की जोड़ी में फूट डालूं। हाँ वो शर्त आपने खुद अपनी मर्जी से लगाई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला था। तो मैं उसका नजराना पेश करना चाहता हूँ अपने दादा। आमतौर पर क्या होता है कि जो बहू होती है ना वो सास और पति के बीच में फूट डालती है, लेकिन ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा कि एक पति ने सास और बहू के बीच में झगड़ा लगाया हो। कभी नहीं रहा, उसका नजराना मैं आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है? जाते हैं, आपको दिखाते हैं और जीत के आते हैं। पलुरानी, ऑल द बेस्ट डैड। तुम सोच क्या रही थी? सॉरी। अरे मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो, वो वेटर तो चला गया। एक्चुअली तुम बोलो मुझे सॉरी, टेल मी सॉरी, तुमने मेरे पूरे 2 मिनट वेस्ट किए। सॉरी। चूंकि कहीं और जरूरी काम से जाना था मुझे। कहाँ? एक्चुअली मुझे किसी को बताना मत, मुझे मेरी वाइफ प्रज्ञा से मिलने जाना था, मुझे सरप्राइज देना था मुझे। आप पार्टी छोड़कर जा रहे? धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो मुझे यहीं पर रोक लेगा। क्वाइट, आई एम स्नीकिंग आउट। पर सुनिए, आलिया जी कह रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आपसे मिलने आ रहे हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए। अरे और आलिया भी ना, क्या करूं समझ में आ रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए, वैसे भी आप प्रज्ञा जी को सरप्राइज कर रहे हैं, वो थोड़ी आपका वेट कर रही है, मिलके चली जाइए। I think you're right. 10 मिनट में आए तो ठीक, वरना फिर जाता हूँ मैं अपने मंजिल की तरफ। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँ आपके साथ, कैसे बताऊँ आपको कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे इंसान के साथ प्यार करना जिससे आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। प्रज्ञा बहुत लकी है, आप उनके साथ नहीं है फिर भी आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने जा रहे हैं। समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है, सच्चा प्यार कि अच्छी किस्मत। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।